Welcome to Mumbai, 47. One of the most densely populated cities in the world, home to more than 12 million people. नमस्कार देवियों और सज्जनों, आज इतिहास खुद को एक बार फिर से दोहरा रहा है। लोकेशन वही है, मैं भी वही हूँ, टारगेट भी वही होंगे, तरीका थोड़ा बदल जाएगा। याद है? और भाई कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जनाब, आप कैसे हैं बताइए। फिलहाल मुंबई में हूँ मैं। मैं कैसे बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मैं गेम खेलता हूँ हिटमैन, ऊपर से मुंबई ऐसा लोकेशन। चिकन भोजन लगता है, लास्ट टाइम से थोड़ा अपग्रेड किया, आपको याद है लास्ट टाइम जब हम यहाँ पे आए हुए थे। इट लुक्स लाइक शाहिद कपूर। और एनीवे, कपड़ा, बेकरी, रोटी, आरक्षण तो था लास्ट। स्ट्रीट गैंग नोन एज द क्रोज आर ऑन हाई अलर्ट, दे सीम टू बी ऑन द लुकआउट फॉर पोटेंशियल असैसिंस एंड विल बी सस्पिशियस ऑफ एनीवन दे डोंट रिकॉग्नाइज। आई सजेस्ट यू आर माइंडफुल अराउंड देम इन द स्लम्स। ओके, बट मैंने थोड़ी ड्रेस चेंज की है तो मेरे पर डाउट नहीं आना चाहिए। तो हम यहाँ पे एक काम करने वाले हैं, हम एक वीडियो में एक टारगेट को ही टारगेट करेंगे। Oh. A couple of chores isn't worried about and is living in center apartment is actually one of the recent episode mein koi banda hai yahan chawl mein rehne aaya hai jo bahut hi ajeeb tarah se vyavhar kar raha hai uske paas inhone ek this is one of the mumbai chawls my records show a few residential complaints about a new tenant in the building something related to strange behavior might be worth looking into yep why not diana हल्की फुल्की ढोलक और तबले की आवाज़, ये लकड़ी का दरवाज़ा, ये पैटर्न। समझ में आता है कि हाँ मैं मुंबई में हूँ। सुट्टा मिड स्कूल, ओके लेट्स गो। अरे भाई कैसे हो? ये सारी जो संवाद है ये समझ में आता है कि हाँ भाई आप मुंबई में ही हो, मिशन यहाँ कंप्लीट कर रहे हो। एनीवे, जो एक बंदा है यहाँ पे रहने आया है और कुछ अजीब तरह से व्यवहार कर रहा है उसको जा पता करते हैं कौन है और क्या चल रहा है यहाँ पे। स्नाइपर राइफल, लुक स्ट्रेंज। वेल वो इट अपीयर्स वी हैव अ राइवल असैसिन इन मुंबई एंड ही इज ट्रेनिंग हिज साइट्स ऑन डारवुड रैंगन बाय द लुक्स ऑफ इट I'd say we're dealing with a local operator known as the Kashmirian. Damn it. A local hitman known as the Kashmirian is in Mumbai on business. He set up a sniper nest in a tower above a stairwell in the local chawl. It appears he's targeting the luxury apartment belonging to Darwood Rangan, but has encountered a problem. Perhaps you can assist him. Why not, Diana? बिल्कुल इनकी मदद करेंगे, जरा हम जान को लेकर कर क्या रहे हैं यहाँ पे। उसने स्कोप लगा रखा है, ये कोई दाऊद की फोटो है वहां पे। नहीं नहीं, तो कोई एक मिनट, कहानी चल रही है कि कोई कश्मीरी बंदा है। टैक्सी साइड, एनीवे कोई कश्मीर से आया हुआ बंदा है जो मारने वाला है दाऊद को, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। AKA the Kashmirian Karandhar in the US but fled to his mother's native land India 20 years ago following an FBI investigation into a string of serial killings in Texas he adopted a new identity here and now works as a gun for hire for local mobsters but who would want Rangan dead investigate kiya to maine Diana dobara karna padega theek hai karke dekh lete hain horror of viewpoint क्या दिक्कत क्या हो रही है इसे व्यू में? Good thinking, 47. Now, if we could only make Rangan appear in that window somehow.
अब मैं समझ गया इसने गन लगा रखी थी बट स्कोप एडजस्ट नहीं कर पाया था, बट हिटमैन इज हिटमैन, आप जानते हो, हर गन एवरीथिंग, हिज मास्टर इन एवरीथिंग। सो गन का स्कोप तुमने एडजस्ट कर दिया है और एक लुक्स लाइक सम काइंड ऑफ फोटो और समथिंग जो कैनवास की वहां पर रखी हुई थी। अब मैं इसी तरह से अगर दाऊद को वहां लेके चला हूं तो ये बंदा ठोक देगा, यानी दाऊद चला तो जाएगा बट अच्छी बात है यार, मेरे ऊपर किसी को डाउट भी नहीं होगा। चलते हैं फिर दाऊद रंगन साहब के कॉम्प्लेक्स में और देखते हैं कि उनको कोई तरीका ढूंढते हैं कि किसी तरह से वहां पे आ जाए उस फोटो के पास, ताकि ये बंदा जो कश्मीरियन है, मैं तो कश्मीरियन ही बोलूंगा, करणधार जो भी है ये उसको निपटा सके। टैक्सी विकेटी, व्हाट इज दिस, हंस मुख क्या लिखा है, मुर्ख। लेट्स गो, झालमुरी, सेवपुरी, पापड़ी चाट, बटाला वड़ा, पाटला वड़ा, आई डोंट नो, मैं मुंबई से ज़्यादा ताल्लुकात रखता नहीं हूँ, कभी एक ही बार गया और भी बस जाना आना हुआ था, किसी इवेंट में गया हुआ था तो ज़्यादा घूम नहीं पाया मैं वहाँ पे, तो वही बता सकते हैं कि क्या है ये, बटाला है या बाटला है, बर्तनों की दुकान। ओके लेट्स डू इट, लेट्स गो टू द मिशन नाउ। रास्ता देना दीदी, दीदी जरा हटना, भैया जरा हटना, चलो सुबह, अभी नहीं आ रहा हूँ, अभी मार तो लूँ पहले। ये है दाऊद साहब का कॉम्प्लेक्स, बट यहाँ जाने की जो जगह है वो यहाँ से गेट एक, अच्छा ये बैक डोर है, लास्ट टाइम मुझे याद है मैं यहाँ से आया था बट गया कैसे था मुझे वो ध्यान नहीं आ रहा। ओके नो प्रॉब्लम, तरीके हज़ार होते हैं, मैंने पहले बोला है, तो लेट्स ट्राई टू फाइंड अ वे to infiltrate this complex. Oh wow, look at this. कोई है तो नहीं, बस हथियार क्या है वैसे, एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे जो गार्ड्स वगैरह है उनके ड्रेस ले लें हम किसी तरह से, तो थोड़ी आसानी हो जाएगी यहाँ मूव करने में। एक भाई साहब सामने है तो यूज करते हैं। ये याद है आपको मछली अगर आपने मेरी मालदीव की वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा। सॉरी सर, मारना चाहता तो नहीं हूं बट व्हाट द हेल, स्कूल ना पढ़े रहो ना शीशा, कहे इस उम्र में, ठीक है गुड यार, बॉडी हाइड करनी, अच्छा है, बढ़िया। ये ड्रेस जो फटी फटी से आपको दिख रही है, फटी नहीं है, पैटर्न है दरअसल, थोड़ा सा कुछ होते हैं अचीवमेंट वगैरह, उसमें आपको नई ड्रेस मिलती है, तो मैंने कुछ नई ड्रेस अनलॉक की है, इसमें दो तीन अनलॉक हुई है, सो उसी में से कोई एक ड्रेस ये भी है, लेकिन बट जो डिज़ाइन है वो मुझे यहाँ भी मिल गई है। आई डोंट नो ये सिक्योरिटी वाले पे क्यों ऐसा हो रहा है, बट ठीक है स्कूल, वैसे भी आजकल इसी का चाल चलन है, मुझे पसंद नहीं है बट है, ये फटी चिथड़ी जीन्स का एंड ऑल, ठीक है अपने अपनी शौक है, अपने अपनी पसंद है, एनीवे लेट्स गो। सो यहाँ पे मेरे पास एक गन है, मेरी मछली डिस्गाइज नहीं करना। ओके मुझसे लोग पूछते हैं, लास्ट गेम में पूछ रहे थे कि मछली का मैंने क्या किया गेम के बाद, मुझे यहाँ पे कोई पहचानेगा तो नहीं। ओके लेट्स गो, कैमरा अरे हाँ, आप पूछ रहे थे ना कि आप ऑफलाइन खेल सकते कि नहीं, देखो ये उसको आप ऑफलाइन भी खेल सकते हो इस मिशन को, लेकिन आप देख रहे हो जब मैं कोई चीज कर रहा हूँ तो मुझे एक्सपी गेन हो रहे हैं उस चीज के, वो आपको देखिए अभी लिख के ना एरिया डिस्कवर्ड 75, ये आपको नहीं होगा जब आप ऑफलाइन खेलोगे, तो बस यही डिफरेंस होगा, बाकी गेम आप खेलो नो इशू, आप स्नाइपर वाले मिशन नहीं खेल पाओगे अगर आप ऑफलाइन खेल रहे हो तो, वो ऑनलाइन ही अवेलेबल है, सो इतना ही डिफरेंस है। प्लस एक चीज और, गेम आप यहाँ वहाँ से डाउनलोड नहीं कर सकते, आप क्रैक डाउनलोड करना चाहो तो मिल जाएगा, बट अगर ऑनलाइन खेलना है तो बाय करना होगा स्टीम से,
स्क्रू ड्राइवर हमारे काम आता है, इसको रख लेते हैं यार। अब चलते हैं ऊपर। मोने पड़े रूबी राय को बिताए तो माँ के एक दिन को तो कोरे देखे ची आज हाय रूबी राय देखे बोलो आमा के तो माँ के को थाए जानो देखे ची। नहीं मैं बंगाली नहीं हूँ मैं बंगाल से नहीं हूँ। लास्ट टाइम मुझे याद है हिटमैन इन बैंक आई थिंक मैं गेम खेल रहा था जहाँ मैंने ये छोटी सी लाइन दोहराई थी। मुझे कमेंट्स काफ़ी आए थे दादा बंगाल से हो। नहीं सर मैं बंगाल से नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं गाने नहीं गा सकता ना। सोडा क्या है? नहीं नहीं मुझे सब नहीं चाहिए, मुझे तो दाऊद साहब के घर में जाना है। वैसे मैं यहाँ आ चुका हूँ, आपको लोकेशन याद होगी थोड़ी बूढ़ी सी, बट आई कैन फाइंड अ वे टू। अच्छा ये रहा स्टेयर्स। आई होप मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो बस आगे बढ़ने, क्योंकि ये एड्रेस ज़्यादा काम नहीं आने वाली है बिकॉज ये सिक्योरिटी की ड्रेस है और सिक्योरिटी वाले इतने ज़्यादा अंतर तक नहीं आते हैं, उनका एक लिमिटेड एरिया। याद है ये वाला जगह जहाँ पे मूवी की शूटिंग हो रही थी एंड हमने यहाँ पे उड़ाया था। खैर एनीवे सिक्योरिटी ड्रेस लेनी पड़ेगी, कि एक ड्रेस लेनी पड़ेगी हमें। जो सामने बंदा टिके खड़ा है ना यहाँ पे उसी की ड्रेस चाहिए होगी जो ये खड़ा है सामने। अगर इससे ऊपर जाने में सिक्योरिटी गार्ड्स बदल रहे हैं मतलब यहाँ भी कोई ना कोई मिलना चाहिए ना आसपास की। रंगन की आवाज आ रही है मतलब आसपास ही कहीं वो। ये रहा ओके कूल कूल कूल। हेलो सर आप ही तो हो मेरे रूबी रॉय। सर कम ऑन। यप यप गुड कम ऑन। अच्छी बात इसमें मुझे मेरे पर कोई डाउट नहीं है। बाय बाय। बढ़िया। आई एम लुकिंग हैंडसम नाउ। ओके लेट्स गो। आई लव फॉर्मल ड्रेसेस। एनीवे सो हमें जाना है यहाँ रंगून साहब के मिसिंग की का। एक मिनट की कार्ड इसके पास तो नहीं था ना, एक बार चेक कर लेते हैं। शायद हो मैं मिस कर गया हूँ क्या पता कुछ नहीं नहीं तो कॉइन है मेरी शायद। की कार्ड इसके पास नहीं था इस बंदे के पास, इसका मतलब कि की कार्ड शायद रंगन के पास हो। बट कोई ना तरीके है दूसरा खोज लेंगे जाने के लिए, हमें अंदर जाना ही तो है। दिस वे टू मूवी सेट। अरे बाबा रे ये तो इतने गुस्से में वही हो सकता है रंगन। क्या हुआ सर सब ठीक मजा मा? ओह माय लुक एट दिस। यही तो था जो हमने देखा था उसमें से चौल में से। चौल कहाँ है लेकिन यार सामने से दिख रही है आपको चौल? मुझे दिख रही है, मुझे लग रहा है वही है जहाँ पे वो स्नाइपर खड़ा होगा। It's an entire art form on its own. It takes time. Yeah, well, get a move on. Mr. Rongan wants you to look at him as soon as you're done mixing your fancy colors there. You got it? Fine. A classic. Man, देखो जैसे इसका मुझे मुझे उसे वगैरह। Anyway, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे कुछ है कि नहीं यार यहाँ पे bodies को। अच्छा है तो। I just can't do it. Oh my God. कुछ है मेरे काम का यहाँ पे? इस guard को फिर मारना पड़ जाएगा यार, पंगा ये है। इसको नहीं मारूंगा बिकॉज ही इज अ गुड मैन। वैसे भी गलती थोड़ी थी इनकी। चलो बस उठे ना वो पीछे से वरना दिक्कत हो जाएगा। बढ़िया किसी को डाउट भी नहीं हुआ कि बेहोश हो चुका है।
बट फिर भी ओ मैन इसकी बॉडी में ड्रैग नहीं कर सकता क्या, तो दिक्कत हो जाएगा फिर। ओके अब ठीक है, दैट वाज गुड। मुझे लग रहा था इसकी बॉडी ड्रैग नहीं हो पाएगी, इसलिए थोड़ा सा एक शॉट और मारना पड़ा। आप लोग यहाँ पे मल्लो मल्ली पे लगो, तब तक मैं आता हूँ। ये रही मेरी मछली। और व्हाट इज दिस? अच्छा की कार्ड ऑप्टेन, क्या है ये? एग्जाम ऑप्टेन की कार्ड, हाँ ये तो मिल चुका, बट कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब चलते रंगन साहब को बुलाते हैं, आइए भाई साहब की थोड़ी तस्वीर उसी उतारते हैं, हम लेते हैं आपकी तस्वीर, तलवार वो भाई। रंगन साहब ऊपर वाले फ्लोर, मिस्टर हुसैन ना, इसने हुसैन बोला आई थिंक। इट्स मी, जस्ट टू लेट यू नो दैट द हाउस आर्टिस्ट इज रेडी टू कंटिन्यू पेंट। दाऊद रंगन के ऑफिस से मुलाकात, ये ऑफिस है, ये रहा टारगेट हमारा। हेलो हेलो हेलो, डिड यू गेट अ शेव? ओह वेल नेवर माइंड, कम विद मी टू द लाउंज। आफ्टर यू मिस्टर रंगन। प्लीज, दैट इज दाऊद रंगन, प्रोड्यूसर ऑफ मीडियोकर मूवीज एंड अ फुल टाइम क्रिमिनल। हिज ब्रूटैलिटी इज ओवरशैडोड ओनली बाय हिज जायंट ईगो। ओके ओके डायना, ओके प्लीज सर आप आगे जाइए, तब तक मैं थोड़ा दृश्य देख के आता हूँ। ऑसम, कहाँ चले गए ये? अच्छा मैग्निफिसेंट यूज ऑफ कलर्स एंड हे देयर सर, क्या बात है, क्या बात है। यू प्लीज कैचेस माय फोर्सफुल नेचर लाइक दिस, आई विल हैव नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मास्टरपीस ऑन माय हैंड्स। लुक एट द शैडोज ना, यू ओके? ग्रेट, I guarantee a perfect execution, Mr. Rangan. Oh my! I guarantee a perfect execution. Chalo, let's get this done with. Chalo, theek hai. Chalo. These to be the final brush strokes, Mr. Zen. I am rich. Oh, dekho left corner mein wo shot le raha hai banda. See if the aim of our Kashmirian friend is true. Dekho, once the word gets out and my art appreciating friends see it, yeah, phone will be ringing off the hook. I can't. That will be wonderful. Hold your breath for a moment, Mr. Rangan. That's the reason I told you I wouldn't pay for the commission, by the way. I'm not stingy. No, no, not at all. But if I'm already paying you in exposure, well, let's not... Seedha khada rehna pagle. You know? I prefer cash over exposure. Clench your fist, please. Okay, bas. Aise hi, aise hi. But sometimes, exposure can be worth more than just money. Abbe, hil kyun rahe? Dekho, in this case, it's the gift... That keeps on giving. देखो इस पगले को। When you're done with हिला मत, हिल मत, खड़े रहे सीधा, तभी तो ले पाएंगे हम। That sounds wonderful, Mr. Rangan. Can you look up a bit? Oh, तेरी। Shot came from. That was good shot. Looks like the Kashmirian finally got a clear line of fire. Dawood Rangan is dead, and not even by your hand, 47. What will you think of next? फिलहाल तो डायरा में यहाँ से निकलना पसंद करूंगा। The Kashmirian is on the move. He's heading for another flat inside the Chawls. This might be worth investigating. If nothing else, we may get a lead on who his client is. Alright guys, तो आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है? Next mission जो होगा, वाला video होगा, उसमें हम जाएंगे किसी और को टपकाने के लिए, यानी कि वान्या शाह को। हमारा मकसद वही होगा, टारगेट भी वही होगा, मतलब तरीका बदल जाएगा थोड़ा सा। सो मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।